एंड गाइस तो यहाँ पे आयरन गोलम स्पॉन होना चालू हो चुके हैं। हेलो गाइस, आप सबको स्वागत है मेरे को न्यू वीडियो में। मैं हूँ आर एंड गाइस कैसे आप सब लोग, मेरी कल से सब आप सब बढ़िया होंगे एंड आगे भी बढ़िया रहे। तो गाइस आप सबका स्वागत है मेरे को न्यू वीडियो में। एंड गाइस इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में आप आयरन फार्म कैसे बना सकते हो। जैसे माइनक्राफ्ट खेलते होंगे तो आप उसमें कई आयरन फार्म बनाए होंगे लेकिन वो वर्क नहीं करते होंगे, लेकिन आज जो मैं आपको आयरन फार्म बताने वाला हूँ वो 100% वर्क करेगा। एंड गाइस अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। एंड गाइस तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस फार्म बनाने के लिए ये सब आपको चीजें चाहिए। देन गाइस आपको क्या लेना है, जो भी आपको जो रैंडम ब्लॉक ले सकते हो। फिर आपको क्या करना है, जमीन से आपको 12 ब्लॉक ऊपर तक आपको कुछ इस तरीके से एक पिलर बनाना है, जिस तरीके से मैं बना रहा हूँ। यहाँ पे आपको जमीन से 12 ब्लॉक ऊपर तक बना के अब यहाँ पर आपको पूरे 21 बेड लगाने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाना होगा, जिस तरीके से अभी मैं प्लेटफॉर्म बना के आपको दिखाता हूँ। क्या पहले आपको यहाँ पे 10 ब्लॉक कुछ इस तरीके से लगाने हैं। देन गाइस यहाँ पे भी इस तरीके से 10 ब्लॉक लगा देता हूँ। देन गाइस आपको इस तरफ भी 2 ब्लॉक ऐसे 10 तक करने हैं आपको। देन गाइस यहाँ पे आपको इस साइड पे आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एक और बेड लगाने के लिए एक जगह बनानी है कुछ इस तरीके से, जैसे मैं यहाँ पे ब्लॉक लगा रहा हूँ। देन गाइस अभी आपको यहाँ पे बेड प्लेस कर देना है, तो मैं यहाँ बेड प्लेस कर देता हूँ। देन गाइस आपको यहाँ पे फ्लैशिंग टेबल लेनी है और कुछ इस तरीके से यहाँ पे बेड्स की साइड बॉर्डर पे आपको लगा देनी है, जिस तरीके से मैं लगा रहा हूँ। यहाँ पे अभी आपको कुछ इस तरीके से बॉर्डर पे फ्लैचिंग टेबल है, इसको यहाँ लगा देना है। तो अभी मैं सारी फ्लैचिंग टेबल्स है जो इनको लगा के आपको दिखा देता हूँ। देन गाइस फ्लैचिंग टेबल लगाने के बाद आपको ऑक फेंस लेनी है, कोई सी भी फेंस लेनी है। देन गाइस आपको यहाँ बॉर्डर पे फेंस कुछ इस तरीके से लगा देनी है, जिस तरीके से मैं यहाँ लगा रहा हूँ। देन गाइस आपको कोई भी ब्लॉक लेना है। एंड गाइस यहाँ पे आपको यहाँ से 5 ब्लॉक ऊपर तक ऐसा एक पिलर बनाया है, जिस तरीके से मैं बना रहा हूँ, 1 2 3 4 5। देन गाइस आपको यहाँ नीचे के जो 4 ब्लॉक है उनको तोड़ देना है। देन गाइस यहाँ ऊपर आते ही आपको क्या करना है, इधर से पूरा यहाँ से 13 ब्लॉक आगे तक आपको और ब्लॉक प्लेस करना है, जिससे मैं कर रहा हूँ। यहाँ आपको उस ब्लॉक से 13 ब्लॉक आगे तक ऐसे कुछ प्लेस कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ तक आ चुके हैं। देन गाइस इस ब्लॉक के आगे आपको 7 ब्लॉक तक प्लेस करना है एंड इसको पूरा 8 ब्लॉक का हो जाएगा वो। यहाँ पर 7 ब्लॉक तो हो गया है। देन गाइस आपको यहाँ पर पूरा दोनों को जॉइंट कर देना है, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर तो देख सकते हो इन दोनों को मैंने ज्वाइंट कर दिया यहाँ पे। देन गाइस आपको यहाँ अंदर का पूरा फिल कर देना है। एंड गाइस अब बारी आती है यहाँ पे विलेजर्स को लाने की। तो गाइस विलेजर्स को आप यहाँ पे माइनक्राफ्ट में बिठा के रेल से ले आना। यहाँ पे अभी मैं विलेजर्स को यहाँ स्पॉन कर देता हूँ सारे। एंड गाइस पूरे 21 विलेजर्स ही होने चाहिए या आप ला सको तो। एंड गाइस यहाँ पे मेरे 21 विलेजर्स स्पॉन हो चुके हैं। एंड गाइस आपको ध्यान रखना है कि सारे विलेजर्स हैं वो सब फ्लेचर ही होने चाहिए, अगर फ्लेचर नहीं हुए तो आयरन गोलम स्पॉन नहीं होगा। तो गाइस इसका आपको ध्यान रखना है कि फ्लेचर ही हो। देन गाइस आपको क्या करना है, मैं ऊपर आ जाना है। एंड गाइस ये स्टोन लेना है। देन गाइस आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ 6 ब्लॉक जितना लंबा आपको ऐसे ब्लॉक्स लगाने हैं, जैसे मैं लगा रहा हूँ 3 4 5, यहाँ पे 6। देन गाइस आपको यहाँ पे इधर की तरफ पूरा भर देना है। देन गाइस आपको इधर की तरफ भी यहाँ से इसे पूरा भर के आपको अंदर का पूरा भर देना है। रुको, जैसे अभी गाइस मैं बताता हूँ, यहाँ से मैंने इधर लिया है। देन गाइस अभी आपको यहाँ अंदर पूरा भर देना है। देन गाइस अंदर भरने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ के चारों तरफ आपको ये फेंस लगा देनी है। आप जो भी फेंस लगाना चाहो वो फेंस आपको लगा देनी है। यहाँ पे ये जो ऊपर का पूरा है इसको आपको पूरा कवर दे देना है। एंड गाइस अभी आप देख सकते हो यहाँ पर एक आयरन गोलम स्पॉन हो भी चुका है। एंड गाइस अभी मैं यहाँ पर पूरी फेंस लगा देता हूँ। देन गाइस फेंस लगाने के बाद आपको क्या करना है, स्टोन लेना है, कोई सा भी ब्लॉक आपके पास जो है वो लेना है। पहले मैं यहाँ सुबह कर देता हूँ डे टाइम।
देन गाइस अभी यहाँ पे मैंने ये ब्लॉक ले लिया है। देन गाइस आपको क्या है, निया नीचे ब्लॉक लगा के इधर की तरफ दो ब्लॉक कितना लंबा करना है, एंड ये ब्लॉक को मैं तोड़ देता हूँ। एंड गाइस अभी आपको यहाँ बॉर्डर तक यहाँ लिया है ना जितना ये ब्लॉक है, देन गाइस इधर से मैं यहाँ तक ले आता हूँ। देन गाइस अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ इधर की तरफ पानी डाल के देखना है कि यहाँ पे जैसे यहाँ पे पानी डालोगे एंड गाइस आगे जाके ये जो पानी है वो सिर्फ इस ब्लॉक पे आके रुकना चाहिए, मतलब इसके आगे नहीं जाना चाहिए। देन गाइस अभी यहाँ पे मैं चारों तरफ पानी डाल देता हूँ। देन गाइस पानी तो यहाँ रुक चुका है, अब क्या करना है आपको इधर की तरफ थोड़ी ऐसे फेंस लगानी है। देन यहाँ पे मैं जैसे लगा रहा हूँ, देन गाइस अब क्या करना है आपको कोबलस्टोन वाली वॉल लेनी है जो कोबलस्टोन वाली होती है। देन गाइस आपको यहाँ पे इस तरीके से लगा के आपको यहाँ आगे तक एकदम इस एंड तक आपको ये कोबलस्टोन वाली वॉल को ले आना है जैसे मैं यहाँ ला रहा हूँ। एंड अभी यहाँ पे मैं इस फेंस को तोड़ देता हूँ। देन गाइस अभी यहाँ पे हमारे बन चुका है। देन गाइस अब यहाँ पे अपन को नीचे पिलर सिस्टम बनाना होगा। देन गाइस यहाँ पे आपको तीन ब्लॉक नीचे तक ऐसा कुछ करना है। देन गाइस आपको 2x2 का एक प्लेटफॉर्म बनाना है जहाँ गोलम्स मरेंगे। तो गाइस कुछ इस तरीके से प्लेटफॉर्म बन चुका है। देन गाइस आपको इसके चारों तरफ कुछ इस तरीके से वॉल लगानी है जैसे मैं लगा रहा हूँ। देन गाइस इधर की तरफ वहाँ तीन लगा दिए, देन गाइस इधर की तरफ भी मैं तीन लगा दिया। देन गाइस यहाँ पे आपको क्या करना है, नीचे की तरफ आना है, यहाँ पे दो ब्लॉक नीचे की तरफ दो वॉल नीचे लगानी है। देन गाइस आपको यहाँ पे इस वाली वॉल के ऊपर जो चेस्ट है वो लगा देनी है कुछ इस तरीके डबल चेस्ट। देन गाइस आपको इसके ऊपर हॉपर लगाना है। देन गाइस ये वाले जो तीन ब्लॉक है वो आपको तोड़ने एंड यहाँ से हॉपर्स को ये कनेक्ट कर देना है। देन गाइस अब क्या करना है आपको पूरी वॉल जो ऊपर तक बना लेनी है कुछ इस तरीके से जैसे मैं बना रहा हूँ। तो गाइस यहाँ वॉल बनने के बाद आपको यहाँ अंदर की तरफ आ जाना है। एंड गाइस अभी मैं यहाँ पे साइन बोर्ड ले लेता हूँ। देन अभी गाइस मैं यहाँ पे जो ब्लॉक्स यहाँ पे लगा देता हूँ, यहाँ कुछ इस तरह के यहाँ ब्लॉक्स लगाने थे। एंड गाइस ये पूरा पैक रहना चाहिए। देन गाइस अभी यहाँ पे जो साइन बोर्ड है वो लेने एंड गाइस कुछ इस तरीके से यहाँ पे लगा देने जैसे मैं लगा रहा हूँ। एक यहाँ ऊपर की तरफ, ये नहीं यहाँ पे एक नीचे, एंड गाइस यहाँ इधर नहीं, यहाँ यहाँ ये नहीं, यहाँ पे आपको एक साइन बोर्ड लगा देना कुछ इस तरीके से। एंड यहाँ पे एक लावा की बकेट है जो वो यहाँ पे आपको डाल देनी। गाइस आप यहाँ देख सकते हो लावा की बकेट डालने के बाद यहाँ पे लावा बाहर नहीं निकल रहा है। एंड गाइस अब आपको क्या करना है, वाटर बकेट यहाँ पे इस ब्लॉक पे वाटर डाल देना है। एंड अब क्या होगा, यहाँ पे गोलम उधर की तरफ पानी से धकेलता जाएगा, वहाँ मर जाएगा। देन गाइस अभी आपको यहाँ ऊपर आके इन दो ब्लॉक्स पे पानी डाल देना है। एंड देख यहाँ पे गोलम इधर जा रहा है। एंड गाइस यहाँ नीचे जाते ही गोलम उस लावा से मर जाएगा। देखिए यहाँ पे गोलम उस लावा की वजह से मर रहा है उधर से आके। एंड गाइस जो गोलम की लूट होगी वो चेस्ट के अंदर आ जाएगी। आप देख सकते हो यहाँ पे गोलम ने तीन आयरन दे दिया है। एंड गाइस इसी तरीके से आपका जो आयरन फार्म है वो वर्क करेगा। एंड गाइस अभी विलेजर्स डरे नहीं है तो यहाँ पे उनको डराने का मैं यहाँ पे एक ज़ॉम्बी लगा देता हूँ, स्पॉन कर देता हूँ। तो गाइस यहाँ पे अभी देख सकते हो विलेजर्स ने आयरन गोलम स्पॉन करना शुरू कर दिया। एंड गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। एंड गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।